अभी हम चल चुके हैं स्टर्लिंग से, जा रहे हैं भीमगट्टा, विराट नगर में एक जगह भीमगट्टा। भीमगट्टा मींस कि बहुत बड़े बड़े पत्थर है वहां पे, और कहते थे कि भीम जी उन पत्थरों से खेला करते थे। और वहीं पे एक जो है गणेश जी का मंदिर भी है। मैं इनसे रास्ता पूछ रहा था क्योंकि गूगल जो है इस रास्ते से पकड़ नहीं रहा है। भाई साहब भीमगट्टा के लिए कहां से रास्ता जाएगा? भीमगट्टे नहीं पता, विराट नगर कुछ। और विराट नगर का पता? विराट नगर बाहर से मेरी तरह, वहां से तो मैं वापस जा रहा हूँ। ये साइकिल वाला बच्चा वो उधर ना, उधर जाऊं मुझे वो उसे बोलो। हाँ जी, अच्छा ये विराट नगर कितना किलोमीटर चल रहा है यहाँ से? 15 किलोमीटर। थैंक यू भैया। तो यहाँ से 15 किलोमीटर मुझे अभी चलना है। रोड क्वालिटी आप देख ही रहे हो, इंटीरियर्स ऑफ राजस्थान, नई रोड बन रही है राइट हैंड साइड पे विराट नगर जाने के लिए फ्रॉम सरिस्का। तो मैं चलता हूँ। सो फाइनली आवर लंच हैज कम। लोकल फूड हम खा रहे हैं आज, ये दाल पनीर है और ये है सेव। सेव क्या था अजय भाई? सेव, सेव भाजी। ये है सेव भाजी विद विद आटे की रोटी, और ये दाल मखनी है, सॉरी दाल पनीर जो है दाल मखनी है। पर अब हम पहुंच गए हैं विराट नगर के पास, गणेश नगर में। और पार्किंग जो है, पार्किंग अंदर नहीं कर सकते भैया जी? हाँ, अरे क्यों चला रहे हो गर्मी में यार? मुझे लड्डू खाने हैं। ले लेंगे अभी गणेश, वो ले लेते हैं तो लड्डू खाने हैं जी। कनिका को अभी यहीं से तो जाना बेटा, आओ जी मंदिर चलते हैं। चलो चलो। लाल जी ने मुझे दिया लड्डू और चुग्गा, इसको दाना को चुग्गा बोलते हैं। हाँ, चुग्गा वहाँ पे क्या वो क्या कहते हैं, कबूतरों के खाने के लिए है वो दिया इन्होंने, और लड्डू दिया। और हम जाएंगे हनुमान, नहीं पहले गणेश जी के मंदिर, और ऊपर हनुमान मंदिर है। ठीक है जी, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर गणेश जी के। हाँ, फुल पहाड़ियों के बीच में रास्ता है। ऊपर जो है ना, ऊपर जो है वो हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पे जाएंगे। पहले हम गणेश जी को ढोक लगाएंगे। ओम गणेशाय नमः। हमारे बच्चे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, चप्पलें यहीं उतारनी। और गणेश जी के मंदिर में बहुत ही प्यारे दर्शन करते करके इन पहाड़ियों के आनंद लेते हुए अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर। जय वीर हनुमान जी की, जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। और यहाँ से व्यू, अभी यहाँ से इतना प्यारा व्यू है, तो आगे से कितना भी होगा। अच्छा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी गर्म है, आगे से आ जाओ तुम, गर्म है सीढ़ियाँ। और शिव परिवार यहाँ पे, जय शिव शिव, हर हर महादेव। और शिव जी के मंदिर के जस्ट सामने ये पानी ऊपर से आता हुआ, हा हा, ये जल कुंड है यहाँ का। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में ये मंदिर, और हम इस पहाड़ की ऊंचाई पे पहुँच गए। वो देखो एक मंदिर और छत पहाड़ पे, देख रहे हो? भीमगट्टा। अच्छा भीमगट्टा वही है वो सामने, भीमगट्टा। हाँ अभी वहीं जाना हमारे को, भीमगट्टा। तो वो है जी भीमगट्टा, जहाँ पे अभी हम चलेंगे। और कनिका जी कह रही है ओम शेप में बना हुआ है ये ऐसे। हाँ चलिए ऊपर चलते हैं अब हम। रॉक टक्की नहीं गई, नीचे से ही वो जुड़ी हुई है, देख रहे हो? हाँ चट्टानों के ऊपर ही मंदिर बना हुआ है। हाँ हाँ
यहाँ फोटो लेना मना, तो इसलिए मैं मंदिर बंद कर रहा हूँ। हनुमान मंदिर से जो है ये सीन था जो मैं दिखाना चाहता था। इट्स ऑन द हाइट, तो बहुत प्यारा सीन है। और अब हम चलेंगे उस तरफ को जहाँ पे भीमगट्टा है। जय बजरंगबली। तो मैंने राम जी का वो लगा लिया है और अब हम चल रहे हैं अपना वापसी पे। और ये वो जगह है हनुमान मंदिर। और ये फाइनल था हमारा। यहाँ पे नीचे कुंड बना हुआ है जहाँ ऊपर से मैंने पानी दिखाया था आता हुआ। और सबसे अच्छी बात है ये कबूतर जो चिपके हुए हैं चट्टान से और दाना खा रहे हैं। जा रहे हैं भीमगट्टा, जो भीम केव्स के नाम से भी मशहूर है यहाँ पे, जहाँ पे भीम जी खेला करते थे बड़े बड़े पत्थरों के साथ। ऐसा कुछ कहानी है जो अपने अज्ञातवास में थे। तो आई थिंक वो जगह है ऊपर जो मैं वहाँ अभी गणेश जी के मंदिर से ही मैंने आपको दिखाई थी, हनुमान जी के मंदिर से। अज्ञातवास वो था जो उन्होंने 13 वर्ष का अज्ञातवास की शर्त थी। अज्ञातवास मतलब किसी को पता नहीं रहना चाहिए कि आप कहाँ पे हो, कौन हो, आपकी आपकी जो वो है ना वो किसी को रिवील नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। तो ये सीन मुझे देख के बहुत अच्छा है। और देखो क्लियर स्काई, स्काई कितना क्लियर है, कितना क्लियर स्काई है। पहुंच गया हूँ मैं भीमगिरी, जगह का नाम है, मैं आपको दिखा दी। और भीम गुफा आ गया, तो हम चलेंगे भीम गुफा की ओर। तो हम चढ़ाई चढ़ के अब पहुँच गए भीम गुफा। भीम गुफा इस तरफ को तो आई थिंक शूज़ उतारने पड़ेंगे, तो मैं शूज़ उतारता हूँ पहले। जय भीमसेन जी के। ये है भीम गुफा जहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। ये घंटी है। तो अज्ञातवास में भीम जी यहाँ रुके थे। हाँ नहीं अपनी महाभारत बड़ी है, देखिए क्यों नहीं पढ़ी है भंडा जी, सब पता रही राजा की दरबार में थी। उंगली गिरी थी यहाँ पर पूरी अंबिका। जय माँ की तो शरण में थे वो यहाँ। अच्छा, इस माँ के लिए पानी का अड्डा था, पूजा की थी सती है। अच्छा, यहाँ पर इस जगह ये बार देश राज्य में नहीं था, महाजनपद में था। भारत देश में 16 महाजनपद थे जिनमें ये मत्स्य जनपद था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। इस पहाड़ी का एंड होता है यहाँ पर, शमशान है इस पूरे क्षेत्र की आज भी। और विराट भूत था कमल नयन उस टाइम में भी, जहाँ पर पांडव ने आते ही अपने अस्त्र शस्त्रों को शमशानों में छिपा करके शमी वृक्ष में रखा था। शमशानों के पास सरोवर है जहाँ स्नान किया था। स्नान करके सीधे वो इस गुफा में माँ विराट देवी दुर्गा की शरण में थी। विराट का नाम इस माँ के नाम पर ही है। माँ का उनको आशीर्वाद मिला था, मैं आपकी रक्षा करूँगी। माँ के लिए पानी काटा था, पूजा की थी, वो भीम लता है। इस गुफा में उनका पूरा गोपनीय मंथन विचारधारा और रणनीति तैयार हुई थी। विराट राजा के रहना है, क्या क्या नाम बताना है, क्या क्या काम करना है, किस वेशभूषा में रहना, ये पूरा मंथन होके और माँ का आशीर्वाद पाके वो विराट के दरबार में रहे थे अलग अलग नाम कामों से। माँ की शरण में आना उनका डेली का काम था। उनका पूजा तपस्या स्थल अज्ञातवास का दलाइन कंज भीम गुफा खंड ज्योति का नाम से बता दिया था। भीम गुफा में चढ़ेगा पांडव जलाई थी, माँ की पूजा की थी उन टाइम से। ये वो जगह। हाँ जी पंडित जी, बाहर आइए, बाहर आए, बाहर पुजारी जी हमारे को बताएंगे कि भीम जी का हाथ है वहाँ पे। ये भीम जी का दिख रहा। अच्छा जी, उठाया हुआ हाथ की शेप में है यहाँ पे, भीम जी के हाथ का रूप। और ये गट्टों से खेलते थे। तो ये है भीम जी का हाथ की गुफा बने हुए। हमारे
पुराणों में कितनी अच्छी अच्छी हमारे धर्म के बारे में बताया गया, और ये एक्चुअल है जो यहाँ पे हमारे को सारी चीजें दिखती हैं, इनमें कोई कहानी नहीं है, ये एक्चुअल है। क्यों जी? हर हर महादेव। अरे जी, अच्छा, राम राम जी, चलता हूँ मैं तो भीम गुफा देख के। हाँ जी, नीचे कहाँ पे? हाँ जी, तो हम चल रहे हैं वापस।